हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑनलाइन क्लासेस आरसीए एजुकेशन हब बानसूर. सो लेट्स कंटिन्यू क्लास 11, चैप्टर नंबर 4, एनिमल किंगडम. ओके, सो बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट सो मेनी फाइलम्स लाइक पोरीफेरा, नीडेरिया, नीटिनोफोरा, ओके, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का. सो लेट टुडे डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज इकाइनोडर्मेटा. So as the name suggests you, Echinodermata, the name is given because they have the calcareous endoskeleton. Okay, they having the endoskeleton of calcareous ossicles. That's why the name is given to the phylum is Echinodermata. Is that clear? Echinodermata. So it means calcareous ossicles. Ossicles क्या होते हैं? जैसे हमारे ear में 3 ossicles होते हैं, ठीक है? तो उसमें जो है उसी तरह से इसमें इस तरह से कुछ कैल्केरियस ओसिकल्स होते हैं, और ये ओसिकल्स क्या बनाते हैं? एंडोस्केलेटन बनाते हैं. अंडरस्टैंड? जैसे स्टारफिश में आपने देखा होगा, अगर उसकी आम की हम बात करें तो कुछ इस तरह से उसकी आम होती है. तो ये जो कैल्केरियस ओसिकल्स यानी कैल्केरियस ओसिकल्स होते हैं, वो एंडोस्केलेटन फॉर्म करते हैं. दैट्स वाई द नेम गिवेन टू द फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा. ओके, लेट डिस्कस अबाउट द सम कॉमन एंड सम पेकुलियर फीचर ऑफ द इकाइनोडर्मेटा. सो लेट्स डिस्कस. दीज आर मैरीन. ओके, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इट मीन्स इकाइनोडर्मेटा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मैरीन हैबिटेट में लिविंग करते हैं. दे हैविंग द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था ब्लैटी हेलमिंट्स के बाद, और वही चलता आ रहा है. ओके ओके, एंड दे हैविंग द रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल पॉथ. ठीक है, यानी रेडियल और बायलेटरल सिमेट्रिकल कैसे होता है कि एडल्ट जो होता है उसमें रेडियल सिमेट्रिकल सिमेट्री मिलती है. ठीक है, इट मीन्स दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द एनी प्लेन, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ थ्रू एनी प्लेन. वेयर एज जो लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, बिकॉज उसको हम इजिली टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इट मीन्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ओके, और सीलोमेटा है, यानी ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. अब देखिए, कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है. कंप्लीट कब होता है? जब दो ओपनिंग्स होती है, एक माउथ और एक एनस. तो इसका जो लोअर पार्ट होता है यानी वेंट्रल जो सरफेस होती है, ठीक है, वेंट्रल जो सरफेस होती है उस पर माउथ होता है, और जो अपर पार्ट होता है एनस यानी डोर्सल सरफेस, वहां पे एनस होती है, यानी दोनों ओपनिंग्स है. इट मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है? कंप्लीट है. ओके, इसमें देखिए, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये इसका पेकुलियर फीचर है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम. यानी इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन. ये जो सारे फंक्शन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है, यानी जो भी है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है, एंट्री है, एग्जिट है. ओके, तो वो सारी चीजें इसमें होती है. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे वो स्टारफिश होती है, ओके, तो इसमें डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं. कैनाल सिस्टम होता है जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर एंटर भी होता है, ओके, और रिलीज भी होता है. तो इसमें ये मेन चीज है इसकी कि वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, ओके, विच हेल्प इन लोकोमोशन, मूवमेंट में हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्लस रेस्पिरेशन. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की प्रेजेंस होती है, बहुत ही पेकुलियर फीचर है. आगे वही है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों ही डिफरेंट होते हैं, सेपरेट होते हैं. फर्टिलाइजेशन, ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर यानी फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है. ओके, और इसके एग्जाम्पल है स्टारफिश है, एंटीडोन है, सी लिली, एक्सट्रॉन. तो ये आपका था इकाइनोडर्मेटा के बारे में. इसके जो पेकुलर फीचर वापस एक बार देखते हैं. देखिए, इसमें पेकुलर फीचर यही है, एक तो कैल्केरियस ओसिकल्स होते हैं विच आर फॉर्मिंग द एंडोस्केलेटन. ओके, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है फॉर द लोकोमोशन, फॉर कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. इज दैट क्लियर बेटा? सो लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब ऑल्सो.